कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति के अध्यक्ष कमलनयन शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में जो किसान बागवान मजदूर व कृषक हैं उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए बैंक वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान बागवान नेशनल बैंकों में जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जिसकी एवज में उनसे गारंटी ली जाती है, जो किसान वो बागवान दे नहीं पाता और उनका लोन स्वीकृत नहीं होता है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति किसानों की जमीनों के ऊपर ही किसानों को लोन प्रदान करता है, वह किसी भी तरह की गारंटी नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना, हमीरपुर व कांगड़ा में कुल 30 शाखाएं हैं, जो लोगों को सस्ता ऋण दे रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 में कुल 25,14,00,000 रुपए के ऋण दिए गए। उन्होंने बताया कि जिला ऊना, हमीरपुर व कांगड़ा में बैंक की 30 शाखाओं में से 1.5 करोड़ का मुनाफा बैंक को हुआ है। कांगड़ा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक धीरे धीरे आम जनमानस के बीच में अपना प्रचार प्रसार कर रहा है। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना की 30 शाखाओं के माध्यम से हम किसान, बागवान, कामगार, गरीब व्यक्ति को लेंडिंग और डिपॉजिट की सुविधाएं घर द्वार के ऊपर उपलब्ध करवा रहे हैं। इस साल में हमने 32 करोड़ के लोन जो हैं 31 मार्च तक 2020-21 के जो हमारी साल बीता उसके अंदर बांटे। रिकवरी रेट हमारा बढ़ा, एनपीए हमारा कम हुआ, ओवरऑल हमारी सारी ब्रांचेज जो हैं वो प्रॉफिट के अंदर आ रही हैं। हम इस साल में कोरोना के बावजूद, कोविड-19 जैसी महावैश्विक महामारी के बावजूद, कांगड़ा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है वो प्रॉफिट की तरफ बढ़ा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे ग्राहकों के लिए एक लाभदायक कदम है। इसके साथ हमने, क्योंकि अब बैंक जो है वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, तो हम लगभग 100 लोगों को रोजगार के लिए हमने, हमारे जो पंजीयक रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, उनसे इन पोस्टों को भरने के लिए अनुमति मांगी है और निकट भविष्य में ये बैंक जो है वो प्रदेश के 100 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने वाला बैंक बनेगा और बहुत अन्य शाखाओं को खोलने के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और भविष्य में 2023 का टारगेट लेकर के हम चले हैं कि हम इस संस्था को 500 करोड़ का एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है इस प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे और 15 ब्रांचेज को हम अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले 2 महीनों के अंदर हमारी 15 ब्रांचेज अपग्रेड हो जाएंगी और ये बैंक जो है वो पूर्णतः कंप्यूटरीकृत बैंक है। अब हम इंटर ब्रांचेज और इंटर बैंकिंग जो है उसकी ऑनलाइन सुविधा भी जो है वो ग्राहकों को देने जा रहे हैं। थैंक यू।